हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली टू ऑल। अभी हम आ चुके हैं दिल्ली जू के पास और यहां का टिकट काउंटर क्लोज है, सिर्फ यहां पे ऑनलाइन टिकट ही बुक हो सकता है। आप यहां पे देखिए कितनी रश है, जहां पे ऑनलाइन टिकट बुक किया जा रहा है और यहाँ का सर्वर भी बहुत स्लो है, जिससे टिकट बुक करने में परेशानी हो रही है और काफ़ी भीड़ लग गया है। वैसे तो हमारी टिकट बुक हो चुकी है, चलिए अब हम एंट्री करते हैं जू के अंदर। जू में एंट्री हो चुका है, इसी जो पीछे हमारे गेट दिख रही है उससे हम लोग एंट्री किए हैं और अब चलते हैं, आपको दिखाते हैं दिल्ली का जू कैसा है। जू में एंट्री करते ही अंदर का नज़ारा कुछ इस तरह का दिखता है। आइए अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं, तब तक आप वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जू के अंदर ऑटो की भी फैसिलिटी है, अगर आपको पैदल चलने में दिक्कत है तो आप यहां से ऑटो भी बुक कर सकते हैं जो आपको पूरी जू की सैर कराएगी। इसका प्राइस मैं पूछ के आपको बताता हूं कि इसका प्राइस कितना है, जो पूरा जू आपको घुमाने का चार्ज लेंगे ये लोग। ई रिक्शा का चार्ज 400 रुपये पर ट्रिप है, 4 सीटर के लिए, और 8 सीटर के लिए 800 रुपये पर ट्रिप है। और पर हेड की बात की जाए तो 70 रुपये पर हेड है, लेकिन अगर आपने टिकट कटाया है तो आप इस पे आराम से जा सकते हैं और 70 रुपये आपको चार्ज लगेगा पर हेड के हिसाब से। और इसके बाद अगर आप कहीं पे उतर के घूमना चाहते हैं तो आप उतर के घूम भी सकते हैं, और फिर आप वापस जब आपको आने के लिए या आपको इस ई रिक्शा में बैठना है तो आप अपना टिकट दिखाइए और टिकट दिखा के फिर किसी भी ई रिक्शा में बैठ के आप यहाँ पर घूम सकते हैं। और पुराना किला भी यहीं जू के ठीक बगल में है, आप ये देखिए, यह है दिल्ली का पुराना किला जो कि दिल्ली जू के ठीक बगल में ही है। अब कुछ बात कर लेते हैं दिल्ली जू के बारे में। दिल्ली जू, जिसे नेशनल जूलॉजिकल पार्क के नाम से भी जाना जाता है, जो कि दिल्ली के प्रगति मैदान के पास स्थित है, यह पार्क 1959 में बनाया गया था, जो तकरीबन 176 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ पे टिकट काउंटर नहीं है, टिकट बुक करने के लिए दिल्ली जू के ऑफिशियल वेबसाइट पर जा करके आप टिकट बुक कर सकते हैं। पर हेड टिकट चार्ज 80 रुपये है और 7 से 12 साल के बच्चों के लिए टिकट का प्राइस 40 रुपये है। अभी तक तो यहाँ पे बहुत से जानवर हम लोग नहीं देख पाए हैं, सिर्फ बिल्ली और लोमड़ी गेंडा ही देख पाए हैं, वो भी बहुत ही अंदर है, क्योंकि अभी यहाँ पे धूप बहुत है, धूप के चलते वो सारे जानवर छांव में बैठे हुए हैं। ये है मोर पे एरो दिखा रहे हैं, मगरमच्छ, एशियाई सिंह, अफ्रीकी हाथी। चलिए देखते हैं इधर कहाँ पे है।
ये बोर्ड लगा है दरियाई घोड़ा का, आइए देखते हैं दरियाई घोड़ा किधर है। ये है श्वेत मिग्र, काफी संख्या में है यहाँ पे, आप देखिए श्वेत मिग्र। अब इधर है एशियाई सिंह, सफेद बाघ, जैगुआर, भेड़िया। चलिए देखते हैं सफेद बाघ कहाँ पे है, जैगुआर कहाँ पे है। लायन यहाँ पे सोया हुआ है, ये देख सकते हैं काफी दूर है जिससे क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे आप देखिए ये सोया हुआ है। ये कुछ इस तरीके से लायन को रहने के लिए बनाया गया है। लायन तो काफी दूर था, नहीं देख पाए। और आइए व्हाइट टाइगर देखते हैं, व्हाइट टाइगर किधर पे है, आइए दिखाते हैं आपको। गाइड मैप कुछ इस तरीके से बनाया गया है। यहाँ का जंगल काफ़ी घना है, ये देखिए यहाँ का जंगल, बहुत सारे पेड़ लगाए गए हैं ताकि पक्षी, यहाँ के जानवर अच्छे से रह सके, उनको जंगल जैसा फील हो यहाँ पे। यहाँ का पानी कितना गंदा है आप ये देखिए, और ये देखिए यहाँ पे जल पक्षी, कितने सारे यहाँ पे पक्षी हैं, ये पूरे पेड़ के ऊपर ये बैठे हुए हैं। ये देखिए पूरे एरिया में ये जितना पेड़ है सारे पेड़ के ऊपर ऑलमोस्ट बैठे हुए हैं, ये देखिए जल पक्षी है। अब इसका क्या नाम है ये तो मुझे भी नहीं पता। आप ये सामने देखिए, ये सारस की तरह दिख रहे हैं, कितने सारे हैं यहाँ पे देखिए, टांगे तो इनकी सारस जैसी ही दिख रही है। आपको दिखाते हैं टाइगर, फाइनली ढूंढते ढूंढते टाइगर मिल ही गया, और रहा टाइगर, टाइगर जिंदा है। फाइनली ढूंढते ढूंढते टाइगर तो मिल गया, आइए अब आपको दिखाते हैं हम सफेद टाइगर। फाइनली सफेद टाइगर आ गया, ये देखिए सफेद टाइगर, यह नाम ही उत्सुकता और रोमांच जगा देता है। और यह है गौड़, गौड़ एक ऐसी प्रजाति है जो कि विलुप्त हो चुकी है, यह गाय की ही एक प्रजाति है जो कि भारत में पाई जाती है। इसे सूंघने और सुनने की क्षमता काफ़ी तेज होती है, किंतु इन्हें देखने की क्षमता जो होती है, देखने की क्षमता कमज़ोर होती है इनकी। आइए आप भैया से रिव्यू लेते हैं जू का, कैसा रहा बताइए, जू का कैसा रहा आपका रिव्यू? जू का रिव्यू काफ़ी अच्छा रहा, हम लोग तकरीबन 12:30 बजे से घूम रहे हैं, लगभग जितने भी स्पॉट हैं, जितने भी मेजर वाइल्ड एनिमल्स और बर्ड्स वगैरह का केव बना हुआ है, हमने काफ़ी अच्छा तरीके से घूमा। हाँ ये है कि अगर आप ई रिक्शा नहीं करते हैं तो आपको काफ़ी चलना पड़ेगा, बट यहाँ पर आके काफ़ी सेटिस्फाइड होता है आदमी, क्योंकि नेचर का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। अब आप बताइए आपको यहाँ पे घूम के कैसा लगा? हाय, बहुत ही बेहतरीन अनुभव रहा। अगर आपके पास फ्री टाइम है वीकेंड पे, अगर आप कहीं घूमना चाहते हैं तो उसके लिए जू बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है। पूरे फैमिली के साथ आप आ सकते हो, पूरे टाइम एक्सपेंड कर सकते हो, चारों तरफ हरियाली है, या बच्चे साथ में तो उनके साथ भी आप अच्छे टाइम एक्सपेंड कर सकते हो। ओवरऑल बहुत ही बेहतरीन जगह है घूमने के लिए,
और टाइम एक्सपेंड करने के लिए। थैंक यू सो मच, वेलकम। ये रिव्यू आप देख लिए और मैं भी आपको ये कहूँगा कि वीकेंड पे आप आके यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं, काफ़ी बेहतरीन जगह है, अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं। तो मेरी सलाह है कि वीकेंड पे आप एक बार ज़रूर आएँ यहाँ पे और आके अपना टाइम स्पेंड करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि वीडियो कैसी लगी। अब इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं और आप यहाँ तक वीडियो देखते आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।